मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन जोन 6386 को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक लाजमी करें, शुक्रिया। ये वाकया मेरे दादा ने सुनाया था जो उनके गांव में पेश आया। गांव का नाम याद नहीं, लेकिन ये वाकया कुछ दहाइयां पुराना है। कहते हैं कि उनके गांव के करीब एक पुरानी वीरान हवेली थी। हवेली की इमारत बहुत पुरानी थी और वहां कोई नहीं रहता था। गांव के लोग इस हवेली से हमेशा दूर रहते थे क्योंकि उनका यकीन था कि वहां जनात का बसेरा है। एक दिन गांव के एक शख्स का वहां से गुजर हुआ, उसने हवेली के करीब से एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो या किसी का जनाजा उठाया जा रहा हो। ये सुनकर वो हैरान रह गया और हवेली के करीब पहुंचा ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। जब वो वहां पहुंचा तो इसने देखा कि जमीन पर एक छोटा सा जनाजा रखा हुआ है। जनाजा ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे का हो, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो शख्स डर गया और फौरन गांव वापस आया। उसने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई तो इन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो रात को कभी इस हवेली के करीब ना जाए। लेकिन कुछ दिन बाद गांव के एक और शख्स ने भी उसी कसम की आवाजें सुने और वहां जाकर देखा तो वही मंजर था। गांव के लोग अब इस बात पर यकीन करने लगे थे कि ये जनाजा जनात का है। वो ये सोचने लगे कि शायद वहां कोई जिन फौत हो गया है और जनात अपने साथी का जनाजा कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो इस जगह के करीब नहीं जाएंगे और वहां के जनात को उनके हाल पर छोड़ देंगे। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो जनाजा खुद ब खुद गायब हो गया और फिर कभी किसी ने इस हवेली से ऐसी आवाजें नहीं सुने। गांव वालों ने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वहां जाना बंद कर दिया। ये वाकया आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि इन्हें इस बात का एहसास हो कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंसान की अकल से मावरा हैं। जनात के बारे में ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन गांव वालों के दिलों में आज भी इसका खौफ मौजूद है।